आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के अमर सिंहपुर पंचायत के राघोपुर से खरसोता पंचायत और पंका जजला से कंधोल को जाने वाली लगभग 1 किलोमीटर की सड़क बुरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने से राहगीरों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस सड़क का शिलान्यास 4 वर्ष पूर्व दिवंगत मंत्री विनोद कुमार सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन कुछ ही दूर पर बनाकर छोड़ दिया गया। इधर पंचायत समिति के सदस्य मोहम्मद सैंगबर बताते हैं कि राघोपुर से कंधोल तक जाने वाली सड़क को पंका जजला गांव तक ही बनाकर छोड़ दिया गया है। इसके बाद आगे का रास्ता काफी जर्जर व खराब है। ग्रामीण बताते हैं कि 2017 में आई भीषण बाढ़ में इस सड़क का कलभट बह गया था, जिसकी अब तक मरम्मत नहीं कराई गई। से कंधोल तक सड़क कट गया है तो पानी से, तो अभी बहुत जाने जाने में तकलीफ होता है और किसी से दिखे रास्ता नहीं है। देखिए, हम लोगों का ये समस्या है कि जो राघोपुर से कंधोल तक रास्ता है उसमें लगभग 0.5 किलोमीटर रास्ता जो बता रहे हैं ठेकेदार कि उसका एस्टीमेट नहीं बना है, और ये 0.5 किलोमीटर रास्ता में जाने आने का कोई व्यवस्था नहीं है। और 2017 का फ्लड में जो टूटा फूटा है वो आपके सामने में आप दिख रहे हैं, जो यहाँ टूटा फूटा है 2017 से। अभी हम लोगों को पंका जजला से दक्षिणी छोर जाने के लिए कंधोल या धमाईपुर तक कोई भी रास्ता नहीं है, हम लोग हर रास्ता से वंचित हैं। ये रोड जो है लगभग 4 साल से बन रहा है, वो शुरुआत किया है तो यहीं लगभग 0.5 किलोमीटर छोड़ दिया है, बोले यहीं तक मेरा नापी हो गया है, इधर का रोड नहीं बनेंगे। जब इधर का रोड नहीं बनेगा तो इतना बना के क्या फायदा है, कोई डिलीवरी आता है उसको अब मरने का हालत हो जाता है, क्या करेगा गांव का आदमी जो है वो उसको कंधा में उठा करके तब ले जाता है, वहां कंधोल में ले जा करके तब कोई गाड़ी में ले जाके ये करता है, इस तरह का स्थिति है। वहीं बरसात के मौसम में सड़क जर्जर होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जर्जर सड़कों के कारण दुर्घटनाएं भी होती रहती है, जबकि इस बारे में सड़क निर्माण विभाग के अभियंताओं को कई बार अवगत कराया गया है, बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आजमनगर से जयप्रकाश भगत, टाइम्स न्यूज़, कटिहार।